أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. الحمد لله، الله رب العزتني فضل الكرم کا معاملہ فرمایا، اور سورت الحج آغاز کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرما دی. تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی. اب پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، بیان کریں گے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے تم سب ڈرو. ان زلزلت الساعت، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے شیء عظیم، ایک بہت بڑی چیز ہے. بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یوم، جس دن، ترونہا تم دیکھو گے اسے، جس دن تم سب دیکھو گے اسے، تذہلو غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی، کل مرضعۃ ہر دودھ پلانے والی،
تذهل غافل हो जाएगी, कुल्लु मुरज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाली, अम्मा उससे जिसे अरज़अत, उसने दूध पिलाया, अम्मा अरज़अत उससे जिसे उसने दूध पिलाया, वतज़ऊ और गिरा देगी, कुल्लु ज़ाति हमलिन, हर हमल वाली, हमलहा अपना हमल, जिस दिन तुम उसे देखोगे हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, और हर हमल वाली अपना हमल जो है वो गिरा देगी, डाल देगी। वो तरन्ना सा, और आप देखेंगे लोगों को सुकारा, मदहोश, वमा हुम बेसुकारा, हालांकि वो नहीं होंगे सब बेसुकारा, मदहोश, वो सब हरगिज मदहोश नहीं होंगे। यहाँ पे तरा में या के नीचे दो नुक्ते हैं, सुकारा में भी या के नीचे दो नुक्ते हैं, ये नुक्ते नहीं होने चाहिए, ठीक है। वलाकिन्ना, और लेकिन आजाब अल्लाह ही, अल्लाह का आजाब जो है शदीद, बहुत सख्त होगा, और अल्लाह का आजाब जो है वो बहुत सख्त होगा, कि तुझे लोग जो है मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का आजाब जो है वो सख्त होगा। वमिनन नासी, और लोगों में से मन जो युजा दिलो झगड़ा करता है, फिल्लाह अल्लाह के बारे में, बगैर इल्म, बगैर किसी इलम के, और लोगों में से जो झगड़ा करता है अल्लाह के बारे में बगैर किसी इलम के, वयत तबियो, और वो पैरवी करता है, कुल शैतानी मरीद, हर सरकश शैतान की, कुल शैतानी मरीद, हर सरकश शैतान की, और हर सरकश शैतान की वो क्या करता है, पैरवी करता है। कुतिबा, लिख दिया गया है, अलैहि उस पर, अन्नहू के बेशक हकीकत ये है, मन तवल्लाहु जो दोस्ती करेगा उससे, मन तवल्लाहु जो दोस्ती करेगा उससे, फअन्नहू तो यकीनन वो, युसिल्लुहु गुमराह कर देगा उसे, युसिल्लुहु गुमराह कर देगा उसे, वो यहदीही और वो रास्ता दिखाएगा उसे, इला आदाब सईर, बढ़कती आग के आदाब की तरफ, बढ़कती आग के आदाब की तरफ। कुतिबा अलैहि, जिसके हक में लिखा जा चुका है, अन्नहु मन तवल्लाहु, कि जो उसे दोस्त बनाएगा, यार बनाएगा, अन्नहु युज़िल्लुहु तो वो उसे गुमराह करके रहेगा, और उसे दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा, बढ़कती आग के अजाब का रास्ता दिखाएगा। या अय्युहन्नास, है लोगो, इन कुंतुम, अगर हो तुम, फी रैबिन, किसी शक में, मिनल बासी, बास के बारे में, दोबारा जिंदा होने के बारे में, दोबारा जी उठने से, यानी दोबारा जिंदा होने के बारे में, अगर तुम शक में हो, इन्ना खलकनाकुम, तो बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन मट्टी से, थुम्मा फिर, मिन नुतफतिन एक कतरे से, थुम्मा फिर, मिन अलकतिन जमे हुए खून से, जमे हुए खून से, थुम्मा मिन मुज़गतिन, फिर गोश के एक लोथड़े से, मुखल्लकतिन मुकम्मल शक्ल बनाई हुई, वगैरह मुखल्लकतिन और बगैर मुकम्मल शक्ल बनाई हुई, लिनुबय्यिना लकुम, लिनुबय्यिना, ताकि हम खोल कर बयान करें, लकुम तुम्हारे लिए, वनुकिर रूह, और हम ठहराए रखते हैं, वनुकिर रूह, और हम ठहराए रखते हैं, फिल अरहामे, रहमों में, मा नशाउ,
जो हम चाहते हैं, इला अजल, एक वक्त तक, मुसम्मा, मुतायन, एक मुतायन वक्त तक हम ठहराए रखते हैं। और हम रहम में जिसको चाहते हैं, एक मुतायन मुद्दत तक ठहराए रखते हैं। तुम मनुखरिजो कुम, फिर हम निकालते हैं तुम्हें। तुम मनुखरिजो कुम, फिर हम निकालते हैं तुम्हें, तिफलन, बच्चा बना के। तुम फिर बेतब लोगों तक ये सब पहुंचो, तुम सब अशुद्धकुम, अपनी जवानी को, अपनी भरपूर उम्र तक पहुंच जाओ। वमिनकुम, और तुम में से मन कोई है जो युतवफा, वफौत किया जाता है। वमिनकुम, और तुम में से मन कोई है जो युरद, लुटाया जाता है, इला अर्दल उम्र, नाकारा उम्र की तरफ, रसील तरीन उम्र की तरफ, बदतरीन उम्र यानी इंतहाई बुढ़ापे तक लुटा दिया जाता है। लिखे ला या अलामत, ताकि ना वो जाने, मिन बाद इल्म, जान लेने के बाद, शय आ कुछ भी, यानी यहाँ तक कि वो सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं जानते। वह तरल अर्ज, और आप देखते हैं जमीन को, हामिदतन, खुश पड़ी हुई, मुरझाई हुई। पैसा अंजल ना, फिर जब हम नाजिल करते हैं अलैहा, उस पर, अलमा, पानी को, इहतज्जत, वो लहलहाती है, वो हरकत में आती है, वो रबत, और उभरने लगती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। वो अंबतत, और वो उगाती है, मिन कुल्ली ज़ौजिन, हर किस्म से चीजें, बहीजिन, बारौनक, और वो हर किस्म की खुशनुमा चीजें जो है वो उगाती है। दालिका, ये बेअन्ना, इस वजह से है कि बेशक अल्लाह अल्लाह ताला वही बरहक है। वअन्नहु, और इसलिए कि बेशक वो युहयी, जिंदा करता है, अलमौता, मुर्दों को। वअन्नहु, और बेशक वो आला कुल्ली शयइन कदीर, हर चीज पे खूब कुदरत रखने वाला। वअन्नस साआता, और ये कि बेशक क़यामत आती है तो आने वाली है, ला रैबा, कोई शक नहीं है, फी है उसमें। वअन्ना अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, या बात तो दोबारा उठाएगा, मन जो फिल कुबूर, कब्रों में है, और अल्लाह ताला बेशक दोबारा उठाएगा जो कब्रों में है। वमिनन नासी, और लोगों में से बाज वो है, मैं युजादिलु, जो झगड़ा करता है, फिल्लाह, अल्लाह के बारे में, बगैर इल्मिन, बगैर किसी इलम के, वाला हुदन, और न किसी हिदायत के, वाला किताबी मुनीर, और न किसी रोशन किताब के। और बस वो शख्स है जो अल्लाह के मामले में बेसमझी, दलील और रोशन किताब के बगैर तकबर से झगड़ा करते हैं। तानिया, मोड़ने वाला, इत्फी ही, अपना पहलू यानी कंधा, युदिल्लता, कि वो गुमराह करे, अन सबील इल्ला अल्लाह के रास्ते से, ताकि अल्लाह की राह से बहकाए, उसके लिए दुनिया में जो है, क्या है, लहू फी दुनिया खिज़्यून, उसके लिए दुनिया में रुसवाई है। वनुज़ीकुहू, और हम चखाएंगे, यौम अल क़ियामत, क़यामत वाले दिन, आदाब अल हरीक, जलाने वाला आग यानी उसका आदाब, आदाब हरीक चखाएंगे। जालिका, ये इस वजह से, जो कदमत, आगे पे जाए, अदा का तेरे हाथों ने, वान अल्लाह, और ये कि बेशक अल्लाह ताला ले सभी जल्लामिन, हर किस जुलम करने वाला नहीं है, लिल अबीदी, बंदों पर, और ये कि अल्लाह ताला हर किस जुलम करने वाला नहीं है अपने बंदों पर। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है, वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो उससे पहले
इस सूरत में जो अहम मजामीन बयान हुए हैं, इस सूरत का जो खुलासा है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। इस सूरत का नाम जो है सूरतुल हज है, क्योंकि इसमें हज और कुर्बानी का जिक्र है इसलिए इसका नाम भी हज रखा गया। और ये अजीब सूरत है, कुछ आयात जो है मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और कुछ मदीना मुनव्वरा में, इसलिए मुफस्सिरीन का इस बारे में इख्तलाफ है कि ये मक्की सूरत है या मदनी है। तो मक्की आयात के एतबार से मक्की है, मदनी आयात के एतबार से मदनी है। मक्की जिंदगी में सब्र करने, जमात को मजबूत बनाने, नमाज कायम करने, अखलाकी और एतिकादी तालीम पे जोर दिया गया था। हज की फर्जियत, जिहाद की मशरूईयत मदनी दौर में हुई, इसलिए बाज मुफस्सिरीन इस सूरत को मदनी सूरत कहते हैं। तो ये 78 आयात और 10 रुकू पे मुश्तमिल है। सूरत की इब्तिदा क़यामत के अहवाल के साथ होती है। समझाया कि क़यामत का इनकार करने वाले शैतान की पैरवी करते हैं। इसके बारे में ये बात लिखी जा चुकी है कि जो भी उसके साथ ताल्लुक रखेगा वो उसको जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। मर के दोबारा जिंदा होने का सबूत जो है एक नहायत माकूल दलील के जरिए दिया गया। और फिर दुनिया में किए हुए बुरे अमल की सजा आखिरत में जहन्नुम की आग बताई गई। मोमिनीन सालेहीन को जन्नत की खुशखबरी दी गई। और फिर कुफार और मुशरिकीन ने अरब जो इत्तबा इब्राहिमी का दावा करते थे उनका रद्द फरमाया गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खाना काबा को ताबीर करने का मकसद जाहिर किया गया कि ये अल्लाह तआला की इबादत और बंदगी के लिए है। कुफर शिर्क और बुत परस्ती की जाहिरी और मानवी निजात से पाक साफ रखने के लिए है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि लोगों को इस बैत अतीक का तवाफ करने और हज करने का ऐलान कर दे। और फिर हज के बारे में कुर्बानी का जिक्र और कुर्बानी की हकीकत को बयान फरमाया गया। मोमिनीन सादिकीन जो कुफारी मक्का की मजालिम एक अरसे तक बर्दाश्त करते रहे, अब उनको जिहाद की इजाजत दी गई और फिर जिहाद की मंशा जाहिर फरमाई गई और मुजाहिदीन की सिफत बताई गई कि जंग और जिहाद के बाद अगर उन्हें जमीन में कुव्वत और इक्तदार और हुकूमत हासिल हो तो लोग खुद भी नमाज की पाबंदी करें, ज़कात अदा करें और दूसरों को भी नेक कामों की करने और बुरे कामों से मना करने का हुक्म दें। फिर अंबिया के जुटलाने का नतीजा बता के कुफारे मक्का को डराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी मनसब बयान करके आपकी तसल्ली फरमाई गई कि जो लोग कुफर पे मुसिर है वो तो अल्लाह तआला की बातों की तरफ से शक और शुबा में रहेंगे। और फिर गैरुल्लाह की बेकसी का हाल बयान फरमाया कि मुशरिकीन इनकी इबादत करते थे वो एक मक्की तक तो पैदा नहीं कर सकते। पैदा करना ही तो बड़ी बात है, वो तो ऐसे आजिज है कि अगर मक्की उनसे छीन ली जाए तो वो उससे छुड़ा नहीं सकते। तो बुतों की बेकसी और बेबसी बता के तौहीद की दावत दी गई। और फिर इसी तरह मसले रिसालत को समझाया गया और आखिर में अहले ईमान अहले इस्लाम को हिदायत की गई कि अगर ये काफिर मुनकिर नहीं मानते तो ना सही, तुम इताअत करते रहो ताकि कामयाबी हासिल करो। तो मतलब ये पूरी सूरत में जगह जगह मुनासिब मौके पर तज़कीर और नसीहत भी है। शिर्क के खिलाफ और तौहीद और आखिरत के हक में मुअसर दलाइल भी है। बस मुफस्सिरीन ने सराहत की है कि ये अजीब सूरत है, इसका कुछ हिस्सा रात में, कुछ हिस्सा दिन में, कुछ हिस्सा सफर में, कुछ हजर में नाजिल हुआ, कुछ मक्की है, कुछ मदनी है। किसी आयत का सुलह के मुतालिक नुजूल हुआ, किसी का जंग के मुतालिक, कोई नासिख है,
قوي منسوخها، قوي محكمها، وقوي متشعبين. وجي ان اس سورت کا جو ہے مختصر خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو اس کا سابقہ سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخری رکوع میں وقوع قیامت کا ذکر تھا، یوم نطوی السما، کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قیامت واقع ہو جائے گی، بڑی گھبراہٹ ہوگی سوائے اللہ کے مقربین کے، کہ وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اس کا تذکرہ تھا. تو اس سورت مبارکہ کی ابتدا بھی قیامت کی ہولناکی سے کی گئی، ان زلزلت الساعة شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہوگی جس دن تمام کائنات درم برم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے. تو بہرحال یہ تمام بنیادی عقائد اور بعض ضروری احکام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے. سابقہ صورت کے آخری رکو میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، اب ان سے کہتے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرماورداری کرنے والے ہو؟ اگر یہ لوگ اس روگردانی سے اس بات سے روگردانی کرے تو آپ کہتے میں نے تو تم کو برابر سرابر خبردار کر دیا، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جزائے عمل کا وقت قریب ہے یا بھائی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے. تو اسی تسلسل میں آپ یہاں ارشاد ہوا، یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی گرفت جو ہے اس سے ڈرو. ان زلزلت الساعة شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جس دن قیامت برپا ہوگی تو اس دن کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة، یوم ترونها، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی. دنیا میں یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچے خاص طور پہ چھاتی سے لگ کر دودھ پینے والے بچے سے حد درجے محبت ہوتی ہے، وہ تکلیف برداشت کرتی ہے مگر بچے پہ آنچ بھی نہیں آنے دیتی. لیکن فرمایا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اس قدر دہشت ہوگی کہ ماں بھی اپنے بچے کو فراموش کر دے گی اور اسے صرف اپنی پڑی ہوگی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. قیامت کی ہولناکی اس قدر شدید ہوگی کہ ڈر کے مارے ہر حاملہ عورت کا حمل جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کا بغل بجنے سے پہلے بعض عورتیں اپنے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، بعض حاملہ ہوں گی، تو جیسے ہی قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا تو بالفعل ایسے واقعات پیش آئیں گی کہ عورتیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی اور بعض کے حمل گر جائیں گے. قیامت کے زلزلے کے جھٹکے ابتدا میں خفیف ہوں گے اور پھر تیز ہو جائیں گے، جس سے پوری کائنات تہ و بالا ہو جائے گی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مذکورہ زلزلے سے وہ وقت مراد ہے جب جزائے عمل کی منزل آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم اٹھو اور جہنم والوں کو الگ کر دو. آپ عرض کریں گے مولا کریم کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ ارے 1,000 میں سے 999 جہنمی ہے. تو اس وقت شدید دہشت ہوگی جس سے دودھ پلانے والی مائیں جو ہے بچوں کو بھول جائیں گی،
हम मेरा औरतों के अमल गिर जाएंगे। सवाल होता है कि ये सारा वाकया तो मरने के बाद दोबारा उठने के बाद पेश आएगा, उस वक्त बच्चे को दूध पिलाना या हमल होने का क्या इस्तेमाल हो सकता है? तो बाद मुफस्सरीन ने ये तौजीह बयान फरमाई कि जिस हालत में कोई शख्स फौत हुआ होगा क्यामत के दिन उसी हालत में उठेगा। तो मौत के वक्त दूध पिलाने वाली या हामिला औरतें उसी हालत में उठेंगी और उनके साथ ऐसा ही मामला पेश आएगा, या इससे मजाजी माना भी मुराद लिए जा सकते हैं। इन अल्फाज से दहशत की शिद्दत का इजहार मकसूद है। कैसी होलनाकी होगी कि बिलफर्ज अगर कोई दूध पिलाने वाली मौजूद हो तो वो बच्चे को भूल जाएगी, अगर कोई हामिला हो तो उसका हमल जो है साकित हो जाएगा। उस दिन आम लोगों की ये हालत होगी, वह तरन्ना सा सुकारा, कि तुम लोगों को बदमस्ती यानी नशे की हालत में देखोगे, जैसे किसी शख्स ने शराब पी रखी हो वो हवास को बैठे। फरमाया कि वो मैं हूं बेसुकारा, और हकीकत में वो नशे में नहीं होंगे, उन्होंने कोई नशा और चीज इस्तेमाल नहीं की होगी, वलाकिन आज़ाब अल्लाह ही शदीद, लेकिन अल्लाह का आज़ाब जो है बड़ा सख्त होगा। उसकी दहशत और खौफ की वजह से लोगों की हालत ऐसी होगी वो, या वो नशे की हालत में है। यहाँ पे इशकाल होता है कि गुज़श्ता सूरत में तो ये बयान हो चुका है, ला यहज़ुनुहुमुल फज़ाउल अकबर, कि अल्लाह तआला के नेक बंदों को घबराहट नहीं होगी, मगर इस आयत से मालूम होता है कि तमाम लोगों को सख्त घबराहट होगी। तो मुफस्सिरीन किराम इसकी तवजीह ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला के नेक बंदों पे घबराहट का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बल्कि वो जल्द ही उससे मामून हो जाएंगे। सूरह जुमर में है, वनुफिखा फिस्सूर फसाइक मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह। जब सूर में फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन की सारी मखलूक जो है मदहोश हो जाएगी सिवाय उसके जिसे अल्लाह महफूज रखे। यानी मशीयत इलाही के मुताबिक बास लोग इस घबराहट से मामून रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत के लिए सब मुतासिर होंगे। आगे फरमाया वो मिनन नासी मैं युजा दिलु फिल्लाही बगैर इल्म, के बाद लोग ऐसे हैं जो बिला इल्म अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, यानी उसकी जात सिफात अंबिया शरीयत जजाय अमल वगैरह के बारे में बहस करते हैं, जिसकी बुनियाद सिर्फ रस्म और रिवाज है और बेहुदा ज़हनियत होती है। वयत्तबिउ कुल्ल शैतान मरीद, मरीद ऐसे सरकश लोग दरअसल शैतान मरदूद का एतबा करते हैं। वो अहले इलम की बात तो मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा शैतान की तरफ से दावत गुमराही को फौरन कबूल कर लेते हैं और फिर उसके पीछे चल पड़ते हैं। कुतिब अलैह, अल्लाह तआला ने शैतान के बारे में ये लिख दिया, अन्नहु मन तवल्ला, कि बेशक जो उसके साथ दोस्ती करता है। यानी वो उसकी बात मानेगा, उसके कहते पे कुफर शिर्क निफाक बिदात और मासी में मुबतला होगा, मानना वो लोगों। तो शैतान जो है ऐसे शख्स को यकीनन गुमराह कर देगा, सिराते मुस्तकीम से बहका देगा। वयदी इला आदाब सईर, तो शैतान ऐसे शख्स को यकीनन गुमराह करेगा, सिरात मुस्तकीम से बहकाएगा। सूरह ज़ुख़रुफ़ में मौजूद है कि
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين। ये जो अल्लाह ताला की जिक्र से तेरा एराज करता है उस पर शैतान मुसलत कर दिया जाता है और वो उसका साथी बन जाता है, फिर आगे गुमराह करता रहता है यहाँ तक कि मौत वाकई हो जाती है। तो शैतान ने न सिर्फ उसको इंसान को बहकाएगा बल्कि वह यदि इला अदा बिसाइर, उसे दोजख के अदाब की तरफ ले जाया जाएगा। इन्नमा यदउ हिज़्बहु, लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि वो अपने गुरु को बुलाता है ताकि रब के को साथ लेके जानों में पहुंच जाए, और उसकी कोशिश होती है कि उसके गुरु में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, और इसके लिए वो अकीदे तौहीद में शक पैदा करता है, लोगों के ईमान पे डाका डालता है और इस तरह उन्हें अपने दाम में फंसा के जहन्नम में मारा देता है। फिर आगे अगली आयात में वकूअ कयामत पे बयान किए हुए दो दलाइल में से पहली दलील खुद तख्लीक इंसानी से मुतालिक है। या अय्युहन नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बअस, ऐ लोगो अगर तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठने में कोई तरद्दुद हो, तुम समझते हो कि जब हमारा जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा, जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, चौराचूर हो जाएंगे, तो फिर दोबारा कैसे उठ खड़े होंगे? तो फरमाया कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद अपनी पैदाइश पे गौर करो कि अल्लाह ने इंसान की तख्लीक और बकाए नस्ल के लिए कैसा अजीब व गरीब निज़ाम कायम किया। फ इन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुत्फा, हमने तुम्हें मट्टी जैसी हकीर चीज से पैदा किया। हमारे जद अमजद की तख्लीक बराह रास्त मट्टी से हुई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तमाम रुई जमीन की थोड़ी थोड़ी मट्टी ला के इसका मुजस्मा बनाओ। जब मुजस्मा तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने उसमें रूह डाली, तो वो जीता जागता इंसान बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिले तनासुल जारी किया और नस्ल दर नस्ल सारी मखलूक भी इंसानी पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम को तो मट्टी से पैदा किया और फिर तुम मिन नुतफा, तुम्हारी तखलीक कतरे आब से हुई है। बीवी खावन के मिलाप से मर्द का नुतफा औरत के बैजे उनसा के साथ मिला तो औरत को हमल ठहर गया। जब 40 दिन गुजर गए तुम मिन आलाकतिन, खून का लोथड़ा गोश्त का एक टुकड़ा बन गया, और वो भी मुखल्लकती वगैरह मुखल्लका के बास पर इंसानी शक्ल सूरत का नक्श बन जाता है और बास पर नहीं। मतलब ये कि गोश्त के जिस टुकड़े पे अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी नक्श लिखा हो तो वो मुद्दत अमल पूरी करके बच्ची की सूरत में बाहर आ जाता है। जिस पर नक्श नहीं बन पाता वो अमल की मुद्दत से पहले ही जाया हो जाता है। मुखल्लका वगैरह मुखल्लका, ये ताम और नाकिस इन दोनों से मुराद लिया जा सकता है। इस तरह मतलब ये होगा कि बाज बच्चे तो मुकम्मल आजा और जवारे शक्ल सूरत के साथ पैदा होते हैं, बाज के आजा और जवारे नामुकम्मल होते हैं और वो माजूर हालत में पैदा होते हैं। कभी हाथ पांव या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा मामूल से कमजोर होता है, या बाज आजा मामूल की तादाद से कम उबेश होते हैं, बाज औकात दो बच्चे जुड़वा सूरत में भी पैदा होते हैं। तो मतलब अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक बच्चा मुकम्मल या नाकिस पैदा होता है। तो इस सारी तकरीर से ये बावर कराना मकसूद है कि देखो हयात मट्टी से कितनी बईद है
मगर अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है कि उसने मिट्टी को हयात बख्शी, जो मिट्टी जैसी नाचीज शय को जिंदगी दे सकता है, क्या वो मरने के बाद उसी इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? यकीनन वो इस बात पे कादिर है। यही हालत मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के हैं। ये ताकि ये सारी बात इसलिए कि ताकि तुम्हें खोल के बता दिया जाए कि तुम्हारी पैदाइश किन किन मराहिल से गुजरी है। जिस तरह अल्लाह ताला तुम्हें आदम से वजूद मिला है, इसी तरह तुम अंजाम को भी पहुंचोगे, और उसके लिए गैर क़यामत का दिन मुकर्रर किया है अल्लाह ताला ने। वनुकिरु फिल अरहामि मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, मेरे रहमों में जो चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक ठहराते हैं। मतलब ये कि अमल की मुद्दत आमतौर पे 9 माह होती है, मगर अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक कम बेश भी हो सकती है। कम से कम 6 माह की मुद्दत में भी बच्चा पैदा हो सकता है, और ये मुद्दत 2 या 4 साल तक भी दराज हो सकती है। इसके किस्म के वाकयात जो है दुनिया में पेश आते हैं। तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि रहमे मादर की मुद्दत पूरी करने के बाद तुम मनुखरजुकुम तिफला, ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر، تم میں سے بعض فوت ہو جاتے اور وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچ پاتے، اور تم میں سے بعض کو نکمی عمر یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر تک لٹھا دیا جاتا ہے، لکی لا يعلم بعد علم شيئا، ताकि इलम होने के बाद भी वो कुछ ना जाने। बढ़ापे में भी इंसान की बचपन वाली हालत हो जाती है, जिस्मानी आज़ा कमजोर हो जाते हैं, हत्ता कि कुव्वत हाफिज़ा जो है वो भी जवाब दे देता है। जो बातें उसे अच्छी तरह मालूम थी उनको भी भूल जाता है। इसी तरह उस उम्र से पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अरसलिल उमर, ए अल्लाह मैं रजील उम्र से तेरी पनाह पकड़ता हूँ। इंसान उठने बैठने और चलने फिरने से मादूर हो जाता है, मैदा कमजोरी का बायस बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने बेस बाद मौत यानी दूसरा दूसरी दलील ये कायम की, व तलर अर्ज हामिदतन, कि तू देखता है जमीन को दबी हुई बुझी हुई है, यानी बंजर, जिसमें कोई रुईदगी वगैरह नहीं होती है। फैजा अंजल ना अली हल मा अहतजत, फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं, बरानी रहमत होती है, तो वो हरकत करती है और रबत और उभरती है, यानी उसमें नशोनुमा की कुव्वत आ जाती है। वह हम बदत बिन कुल जिम बहीट, और वो हर किस्म की बारौनक चीज उगाती है। जब जमीन को पानी मिल जाता है तो वो नरम होके काबिल काश्त बन जाती है। किसान उसमें हल चलाता है, उसमें बीज डालता है, फिर वो गल्ला सब्जियां चारा और दीगर नपादात भी पैदा करता है। तो इसमें दरख्त और फल पैदा होते हैं, तरह तरह के फूल निकलते हैं जो इंसानों और हैवानों के काम आते हैं। तो ये सब कुछ रोजमर्रा तुम्हारे मुशाहिदे में आता है कि जो जमीन बिल्कुल मुर्दा हो जाती है, कोई चीज पैदा करने के काबिल नहीं रहती, वो मौसम के मुताबिक पानी मिलने पे फिर तरोताजा हो जाती है और हर किस्म की बारौनक अशिया उगाने लगती है। इसी तरह अल्लाह ताला इंसानों को उनकी मौत के बाद दोबारा जिंदा कर देगा, और फिर हिसाब किताब की मंजिल आएगी। ذلك بأن الله هو الحق، और ये इसलिए कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ही का हक है। वह
وأنه يحيي الموتى وروحي مردوكو دوبارة زندة كاريغا وأنه على كل شيء قدير. यानी अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, जिस तरह वो पानी के कतरे से इंसान जैसी मखलूक पैदा करता है, अपनी मुकर्रर उम्र पूरी करने के बाद उसको मौत से हमकनार कर देता है, इसी तरह वो मुर्दों को दोबारा भी जिंदा करेगा। उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर दोबारा जिंदगी के बाद तुम अपने अंजाम को भी पालोगे। और उसकी सूरत अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई, वन यह क्यामत बिला शुबा बर्पा होने वाली है। और इससे मकसूद ये है कि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी इस जिंदगी का हिसाब लेना चाहता है। जिस तरह तुम इस दुनिया में किसी शख्स को कारोबार पे बैठाते हो, किसी को मुलाजिम रखते हो, किसी को कोई काम सुपुर्द करते हो, तो तुम हक बजानिब हो कि उस शख्स की कारकिर्दगी का जायजा लो और फिर देखो कि उसने तुम्हारी तफवीज करदा ड्यूटी को किस हद तक अंजाम दिया, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक कितना काम किया, उसमें कोताही किस हद तक की है। और फिर तुम इस बात की भी मुजाज होते हो कि उस शख्स को उसकी उसने कारकिर्दगी पे इनाम दो, बदकिरदारी पर सजा दो। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को जिंदगी की दौलत दे के इस दुनिया में भेजा ताकि इसके जिम्मे बाज फराइज भी आयद किए थे और बाज उमूर से मना किया था। अब इसका हक बनता है कि वो हर इंसान से उसके कारकिर्दगी का हिसाब ले और फिर उसके मुताबिक उसके लिए जजा या सजा का फैसला करे। इसके लिए फरमाया है कि बिला शुबा क्यामत आने वाली है, वअन्नल्लाह यबअथु मन फिल कुबूर, और बिला शुबा अल्लाह कब्रों में मदफून सब लोगों को जरूर दोबारा जिंदा करेगा ताकि उनसे जिंदगी भर का हिसाब किताब ले सके, ताकि उनसे जिंदगी भर का हिसाब किताब ले सके। वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म वला हुदा वला किताबिन मुनीर। इस आयत में अल्लाह तआला ने काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों का रद फरमाया कि लोगों में से बाज वो है जो झगड़ा करते हैं अल्लाह तआला के बारे में, यानी उसकी तौहीद के बारे में, मगर न तो उनके पास कोई इलम नकली या अकली दलील है, न हिदायत की बात है और न रोशन किताब। वो सिर्फ अपने रस्म और रिवाज और जहालत की बुनियाद पे झगड़ा करते हैं। थानी अपने पहलू को मोड़ते हैं, यानी गुरूर और तकबुर करते हैं। ليضل عن سبيل الله ताकि दूसरे लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। पहले खुद गुमराह हुए और फिर दूसरों को किया। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया, लहू फी दुनिया खिज़्य, उनकी इस उनके लिए इस दुनिया में भी रुसवाई है, इस दुनिया में भी जलील और ख्वार होंगे। वनुज़ीकु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक, और क़यामत वाले दिन हम उसे जला डालने वाला आजाब चखाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा, ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाका, ये वो चीज है जो तेरे हाथों ने आगे भेजी है। दुनिया में तूने यही कमाया था कि खुद भी गुमराह हो और दूसरों को भी बहकाया, उसका बदला यही है कि अब आजाब का मजा चखो। अल्लाह तआला ने बिलावजह तुम्हें सजा में मुबतला नहीं किया, क्योंकि वह अल्लाह अलैहि बिज़ल्लाम लिलआबिद, बेशक अल्लाह ताला तो बंदों पे कभी भी जुल्म नहीं करता, बल्कि ये तो तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है। वह अल्लाह अलैहि बिज़ल्लाम लिलआबिद, बेशक अल्लाह ताला बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता, ये तो तुम्हारी ही आमाल का
नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह, इन आयात का तर्जुमा और तफसीर दोनों हमने बयान कर दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खैर वाफियत के साथ इस सूरत को भी हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा दें। अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है, इंशाल्लाह 8 या 9 असबाक में इस सूरत को भी हम मुकम्मल कर देंगे। ठीक है।